आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मखाना चाट की रेसिपी। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे रोस्टेड मखाना। मखाना को पहले मैंने कढ़ाई में रोस्ट कर लिया था, या फिर आप माइक्रोवेव भी करते हो उसको 1-2 मिनट के लिए। अब इसके बाद हम लेंगे चॉप प्याज, कटा हुआ टमाटर, अनार के कुछ दाने जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और फ्रेश धनिया पत्ता। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा जीरा पाउडर, पुदीना और धनिया की चटनी जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर एनहांस करता है इसके अंदर, और इमली की चटनी, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और हमारी टेस्टी सी चटपटी मखाना चाट तैयार है, जो कि हमारा इवनिंग स्नैक्स बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी भी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इन्जॉय करें टेस्टी सा मखाना चाट की रेसिपी।